पूछा बेटा, मुंबई कमिश्नर ऑफिस जो है ना वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मुंबई कमिश्नर ऑफिस जो है वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं तुमसे कुछ और नहीं चाहती। गवर्नमेंट को मैं एकदम सीधा बोल रही हूँ, सीएम को मेरी सीधी सीधी क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट समझे या चेतावनी समझे। मैं क्योंकि यू नो मी, इतना तो आप भी मुझे जानते होंगे कि मेरे जैसा खतरा खाली नहीं जाता। तो मैं एक सीधी बात बोलती हूँ, आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे हमको लेडीज़ हॉस्टल बना के दें, बच्चों के केयर एंड कंसर्न के साथ में, जिसमें वो सताईवी औरतें रह सकें और वो दिन में काम पे जा सकें और रात में उसमें सुकून से आके अपने बच्चों को संभाल के वो रह सकें, और जिसमें कोई प्रोसिक्यूशन का बिजनेस नहीं चलेगा और कोई गवर्नमेंट अधिकारी वहाँ पे, सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट लोग ही काम करेंगे, उसमें कोई गवर्नमेंट अधिकारी काम नहीं करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट अधिकारी काम करने की वजह से क्या होगा कि फिर वहाँ पे धंधे चालू हो जाएंगे और उसमें गलत गलत चीज़ें होंगी और गलत गलत तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेंगी, फिर वो बंद हो जाएगा। वो सब नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी चाहिए हमको वो। हम तैयार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर घर जाति के लोगों को रखो उसके अंदर। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.